क्या आप जानते हैं कि HTTP क्या है और HTTPS क्या है? आपने इन दोनों वर्ड्स को अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में जरूर देखा होगा। आपने इसे किसी वेबसाइट के URL के शुरुआत में जरूर देखा होगा। आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल अवश्य आया होगा कि आखिर ये हैं क्या और HTTP और HTTPS के बीच क्या अंतर है। तो चलिए जान लेते हैं। तो HTTP जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल्स जो कि वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के समय उपयोग होते हैं। क्या आपको पता है कि HTTP प्रोटोकॉल सिक्योर्ड नहीं होता है? जी हाँ, HTTP कनेक्शन के जरिए ट्रांसफर किए गए डाटा सुरक्षित नहीं होते, इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर HTTP सिक्योर्ड क्यों नहीं है। HTTP में डाटा अनइंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसे फॉर्मेट में जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। HTTP रिक्वेस्ट को बीच में किसी हैकर द्वारा रीड किया जा सकता है। HTTP में सर्वर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हैकर सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स भी कर सकता है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से यह सुरक्षित नहीं है। इसलिए HTTP के जरिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स आदि ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि HTTPS क्या होता है। HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। यह HTTP का सिक्योर्ड वर्जन है। इसमें SSL यानी सिक्योर्ड सॉकेट लेयर का यूज होता है जो कि ब्राउजर और सर्वर के बीच इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रांसफर करता है। HTTPS कनेक्शन में सारे डेटा को क्रिप्टोग्राफी के द्वारा इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी एक ऐसा फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिसे बिना डिक्रिप्शन की के डिकोड कर पाना मुश्किल होता है, और इसी तरह ट्रांसफर हो रहे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। आप क्रोम के एड्रेस बार में ऐसे URL के सामने ग्रीन कलर में लॉक आइकन के साथ सिक्योर लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे। तो आप कभी भी किसी भी साइट पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते समय उस साइट के बारे में जानकारी अवश्य कर लें और ब्राउजर में HTTPS लिखा हुआ या लॉक और सिक्योर लिखा हुआ देख लें। तो जब कभी भी आप किसी भी साइट पर जाकर अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो उस समय आपको अपना ब्राउजर का एड्रेस बार अवश्य देख लेना चाहिए। उसमें अगर लॉक का साइन नहीं बना है या फिर HTTPS से सिक्योर्ड नहीं है तो इस स्थिति में आपको अपनी कार्ड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।